हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर दिस थीफ स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। एंड लेट्स स्टार्ट। ए यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय, एक जवान लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उस पर विश्वास करता है कम्प्लीटली, बिल्कुल पूरे तरीके से। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम पर रख लेता है, एम्प्लॉय कर लेता है उसको, यानी नौकरी पर रख लेता है उसको। Does the boy betray his trust? क्या जो लड़का है वो उसका ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसको बिट्रे कर देगा, यानी उसको धोखा दे देगा। So the thief story, एक चोर की कहानी, ये जो स्टोरी है रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, काफ़ी फेमस राइटर हैं इंडिया के, रस्किन बॉन्ड, उनके द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। एंड इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, अनिल एंड हरी। हरी जो कि एक थीफ है, एक चोर है, वो अनिल से मिलता है, और हालांकि वो सिर्फ 15 साल का ही है, पर वो एक काफ़ी अच्छा चोर है, वो अपने आप को एक काफ़ी एक्सपीरियंस चोर मानता है। तो वो अनिल से मिलता है, अनिल जो एक काफ़ी सिंपल और एक काफ़ी अच्छा इंसान है, तो वो उससे मिलता है और उससे वो दोस्ती करता है ताकि वो उसके साथ रह सके और चोरी कर सके। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल है वो उस पर पूरे तरीके से विश्वास करता है और उसको काम पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो क्या जो लड़का है यानी हरी वो उसे धोखा देगा, उसका विश्वास तोड़ेगा, तो ये हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। रीड एंड फाइंड आउट, तो हमें ये स्टोरी के दौरान ये पढ़ेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे कि हु डज आई मी रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी के अंदर जहाँ भी आई आया है तो वो किसको रेफर कर रहा है, तो वो हरी को रेफर कर रहा है कि ये जो स्टोरी है इसका जो नरेटर है वो हरी है, तो आई वो अपने लिए बोल रहा है। What is he a fairly successful hand? तो किस चीज़ में उसका जो हैंड है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, तो उसका हाथ है वो काफ़ी साफ है चोरी के अंदर। हरी एक चोर है और वो मानता है कि उसका ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड है, यानी वो चोरी के अंदर काफ़ी अच्छा है। What does he get from Anil in return from his works? और वो अनिल से क्या मिलता है उसको अपने काम के बदले, जब वो अनिल के लिए काम करता है, तो ये हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। सो So let's start. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है हरी, वो इसे नरेट कर रहा है स्टोरी को। I was still a thief when I met Anil. मैं तब भी एक चोरी था जब मैं अनिल से मिला। And though I was only 15, और यद्यपि मैं सिर्फ 15 साल का था, I was an experienced and fairly successful hand, पर मैं एक अच्छा चोर था, या मेरा हाथ काफ़ी साफ था, मैं एक अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच देन आई अप्रोच हिम। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। अब अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था, यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। वैन आई अप्रोच हिम, जब मैंने उसे अप्रोच किया, मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा और पतला आदमी। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो ईजी गोइंग लग रहा था, यानी जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, वो काफ़ी मतलब काइंड था और सिंपल था बिल्कुल मेरे पर्पज़ के लिए एकदम सही, क्योंकि ये जो हरी है ये चोरी करना चाहते हैं, तो ये कह रहा है कि वो काफ़ी इजी गोइंग था, काफ़ी मतलब सिंपल व्यक्ति था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब मैं श्योर था, मैं पक्का था कि मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत पाऊंगा, यानी कि अनिल का कॉन्फिडेंस जीत पाऊंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब हरी कह रहा है कि तुम काफ़ी एक रेसलर टाइप की लगती हो, यानी तुम यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम भी एक पहलवान ही लगते हो। I said a little flattery helps in making friends. अब मैंने ऐसा कहा क्योंकि एक थोड़ी बहुत चापलूसी करने से दोस्त आसानी से बन जाते हैं। So do you, he replied. अब अनिल कह रहा है कि तुम भी रेसलर लगते हो, So do you, तुम भी। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो इसने मुझे थोड़ा सा put me off कर दिया, यानी कि मुझे थोड़ा नाराज कर दिया या खिन्न कर दिया। Put me off का मतलब होता है नाराज कर देना या खिन्न हो जाना।
तो विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, तो इसने मुझे थोड़ा खिन्न कर दिया क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट, तो अच्छा मैंने कहा कि ये शिष्टता, मॉडेस्टली मीन्स होता है थोड़ा आराम से या शिष्टतापूर्वक बहुत अच्छे से. आई डू रेसल ए बिट, मैं भी कुछ कुश्ती करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. अब अनिल उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा हरी सिंह. आई लाइड, उसने झूठ बोला है. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं एक नया नाम रख लेता हूँ हर महीने. हरी कह रहा है कि मैं अपना एक नया नाम रख लेता हूँ हर महीने. दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, तो ये मुझे पुलिस से भी बचाता है और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो पहले मालिक थे इसके, जिनको इसने धोखा दिया है, तो उनसे बच जाता ही है अपना नाम बदलकर. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, और इस जो इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. अनिल ने बातचीत की जो पहलवान थे जिनको जिनकी बॉडी पर तेल तूल लगा हुआ था, वो वर ग्रंटिंग, और वो काफ़ी घुर्रा रहे थे. ग्रंटिंग मीन्स होता है घुर्राना, तो वो पहलवानी करते वक्त काफ़ी शोर कर रहे थे, ग्रंट कर रहे थे. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और वो एक दूसरे को उठाकर इधर उधर फेंक रहे थे. आई डोंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है. अनिल वॉकड अवे. आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था, ये हरी कह रहा है. अनिल वॉकड अवे, अनिल था वो चलकर आगे निकल गया. आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसका पीछा किया बिल्कुल कैजुअली, मतलब लापरवाही से. हेलो अगेन ही सेड, अब अनिल ने कहा कि हेलो अगेन, भाई तुम्हारा दोबारा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अब मैंने उसे अपनी जो मोस्ट अपीलिंग स्माइल थी वो दी, यानी कि अपनी बहुत जो जिससे अट्रैक्ट हो जाए कोई भी स्माइल से, ऐसी स्माइल मैंने अपने चेहरे पर लाया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू, पर अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पे नहीं कर पाऊंगा या तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे पाऊंगा. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ मिनटों के लिए सोचा इस बात पर. परहैप्स आई मिस जज माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, अब उसने सोचा शायद मैंने कोई मिस जज कर लिया या मैंने गलती कर ली इस आदमी को चुनने में चोरी के लिए. आई आस्क कैन यू फीड मी, अब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक, अनिल कह रहा है कि कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं खाना पका लेता हूँ, मैंने झूठ बोला दोबारा. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला भी सकूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, अब वो मुझे अपने कमरे पर ले गया जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, और उसने मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, पर उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो अवश्य ही बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा होगा या बहुत ज़्यादा खराब रहा होगा. बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने को कहा कि यहाँ से निकल जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं वहीं रहा और उसके वहाँ इधर उधर घूमता रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, अब मैं अपनी जो सबसे शानदार हंसी है मेरी अट्रैक्ट कर देने वाली, उस वे में मैं हंसता रहा और इससे वो भी स्माइल करता रहा और इससे वो भी हंसने लग गया. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, अब उसने मेरे सर को थपथपाया थोड़ा और उसने कहा कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट ऑल सेंटेंसेस एंड एड नंबर्स, अब उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखा दिया था. एंड ही वुड सून टीच मी, और उसने कहा कि मैं तुम्हें जल्दी ही पूरे वाक्य लिखना भी सिखा दूंगा और तुम्हें नंबर्स जो एड नंबर्स जोड़ना यानी कि मैथ भी सिखा दूंगा तुम्हें. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, अब मैं ये जानता था कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया एक पढ़े लिखे आदमी की तरह यानी एक एजुकेटेड मैन की तरह तो फिर कोई लिमिट नहीं है मेरी अचीवमेंट की, यानी कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, फिर मेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अब ये काफ़ी अच्छा था अनिल के लिए काम करना.
आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह चाय बनानी पड़ती थी, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और उसके बाद मैं अपने दिन भर का जो सामान जरूरी होता है वो खरीदने जाता था या खरीदता था, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपये ए डे, मैं अक्सर एक रुपया बचा लेता था, मतलब पूरे दिन की जो खरीदारी करता था तो उसमें हिसाब में गड़बड़ करके एक रुपया ये रोज़ का बचा लेता था। ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है, तो इसमें एक रुपये की भी काफ़ी कीमत है। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिडंट नॉट सीम टू माइंड। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो जानता था कि मैं इस तरह से रुपये बचा रहा हूँ, बट ही डिडंट नॉट सीम टू माइंड, पर उसे कोई परवाह नहीं थी इस चीज़ की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है कि अनियमित रूप से, या जैसे कभी कर लिया और कभी ना किया कोई ऐसा करे। सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था, वो कभी पैसे कमा लेता था और कभी नहीं कमाता था, मतलब रेगुलर मनी नहीं कमाता था अनिल। ही वुड बोरो 1 week लेंड द नेक्स्ट, अब वो किसी हफ्ते तो उधार लेता था और अगले हफ्ते उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अब उसे अपने नेक्स्ट चेक की चिंता रहती थी कि वो कब आएगा, बट एज सून एज इट अराइव्ड, पर जितनी जल्दी वो आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, अब उसे अपने नेक्स्ट चेक की चिंता रहती थी कि पैसे कब आएंगे, पर जैसे ही वो चेक आता था वो बाहर जाता था और पार्टी करने लग जाता था, सेलिब्रेट जस्ट मनाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, क्वीर वे होता है मतलब अजीब तरीका या एक कोई विचित्र तरीका। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अब ये जान पड़ता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, यानी मैगजीन्स में कोई कहानियाँ या आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, ये बहुत एक अजीब तरीका है पैसे कमाने का, ये वो सोच रहा है हरी। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वो घर आया और उसके पास में कुछ एक छोटा बंडल था पैसों का, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, अब उसने कहा कि मैंने एक बुक बेची है अभी एक पब्लिशर को, यानी वो लिखता था, राइटर था। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, अब मैंने उसको देखा रात को जो वो पैसे थे उसके पास वो मैट्रेस के अंदर में दबा रहा था, यानी गद्दे के नीचे वो रख रहा था पैसे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग टू माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं अनिल के पास लगभग एक महीने से काम कर रहा था, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैंने जो शॉपिंग के दौरान चीटिंग की थी यानी जो पैसे बचाए थे हिसाब किताब में, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, उसके अलावा मैंने अपनी जो लाइन है मेरा जो काम है उसका कोई काम नहीं किया था मैंने, मतलब मेरा जो प्रोफेशन है मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस रिलेटेड मैंने कोई काम नहीं किया था, मतलब इसका बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस है चोरी करना। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, अब मेरे पास हर वो अपॉर्चुनिटी थी यानी मौका था ये चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं कभी भी आ जा सकता था जैसे भी मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अब वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था मैंने जो ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मैं जिस किसी से भी आज तक मिला था अनिल उन सब में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला पर्सन था, मतलब हरि पर आज तक किसी ने इतना विश्वास नहीं किया था जितना अनिल ने किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था उसे लूटना, क्योंकि इट्स ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, क्योंकि एक जो लालची आदमी होता है उसे लूटना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि उसे जब आप लूटोगे तो वो अफोर्ड कर सकता है, यानी वो फील नहीं करेगा इस बात को। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, पर एक लापरवाह आदमी को लूटना काफ़ी मुश्किल होता है। समटाइम ही डज नॉट इवन नोटिस ही इज़ बीन रोब्ड, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो नोटिस ही नहीं करता कि उसे लूट लिया किसी ने, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे क्या होता है कि सारा जो लूटने में या चोरी करने में जो मज़ा होता है वो जाता रहता है, क्योंकि जिससे आपने लूटा है उसको पता ही नहीं लगता कि वो लूट गया है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब वेल वो कह रहा है हरी कह रहा है कि इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब ये समय आ गया है कि मुझे कुछ सही काम मिला है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मुझे मेरी प्रैक्टिस जाती रही है,
जो चोरी की इसकी प्रैक्टिस है वो जाती रही है इसकी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं पैसे नहीं लूंगा यानी ये चोरी नहीं करूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इन ऑन हिज फ्रेंड्स, वो हो सकता है अपने दोस्तों वगैरह में इसको वेस्ट कर दे। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और सबके बाद में ये भी बात है कि वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है। तो ये हरी सोच रहा है कि मैं कुछ सही काम करूँगा, अपनी जो लाइन है मेरी, बिजनेस है मेरा चोरी करने का, उस लाइन का काम करूँगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है, और अगर मैं ये चोरी नहीं करूँगा तो ये पैसे अपने दोस्तों में उड़ा ही देगा और ये मुझे सैलरी भी नहीं देता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है कि इसमें हरी है जो वो चोर है, और वो अनिल के साथ में रहने के लिए आया है ताकि वो अनिल से कुछ पैसे चोरी कर सके। अब अनिल है वो काफ़ी अच्छा आदमी है, और वो हरी को पढ़ना लिखना भी सिखाता है, और उस पर काफ़ी ट्रस्ट करता है। उसने उसे चाबी भी दे रखी है अपने घर की कि कभी भी आओ और जाओ। तो इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।